मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, रानी मुखर्जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। राहुल भोज आप लोगों से बातचीत करना चाहता है मर्दानी 2 के बारे में, तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जिस हिसाब से देश की सिचुएशन है, देश में जिस तरीके से एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन है, उसी के सब्जेक्ट को लेकर रानी मुखर्जी की ये फिल्म आई है, यानी कि मर्दानी 2। एंड मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा प्रोड्यूसर यशराज को, जिन्होंने इस तरीके के सब्जेक्ट के लिए इतना बड़ा बैनर चुना और साथ ही साथ रानी मुखर्जी जैसी फाइन एक्ट्रेस को चुना। आपको बता दूं दोस्तों, शिवानी शिवाजी रॉय की ये कहानी है जो कि अब आगे बढ़ चुकी है। शिवानी शिवाजी रॉय मर्दानी 1 में हमने देखा था, वो कितनी बड़ी वीरांगना है, कितनी बड़ी मर्दानी है, वो हम सबको पता है, जो कि सामने वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। ऐसे में दोस्तों, अब सेकंड पार्ट में तो ये मर्दानी और भी ज्यादा खूंखार हो चुकी है। ये शेरनी का रूप बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ती है, और जिस हिसाब से क्लाइमेक्स पोर्शन शूट किया गया है ना दोस्तों, वो लाजवाब है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कहानी है राजस्थान के शहर कोटा की। हम सबको पता है कि कोटा में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, और यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर सैकड़ों देश भर के लड़के लड़कियाँ आकर पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और फिर उसके बाद अपना अपना करियर तय करते हैं। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर लड़कियाँ रात को गायब हो रही हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं, उनके साथ घिनौना कुकर्म हो रहा है, उसके बाद उनकी ब्रूटली हत्या कर दी जाती है, उसके बाद उनको मार दिया जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, कौन ये पड़ा हुआ है इसके पीछे, और कौन शिवानी शिवाजी रॉय को डायरेक्ट चैलेंज करता है? आपको बता दूं, विशाल जेठवा, उनकी ये पहली फिल्म है। टीवी जगत के अच्छे खासे कलाकार हैं दोस्तों वो, और हमने उन्हें बहुत सारे सीरियल्स में देखा है। वो बने हैं ये साइको किलर, और लिटरली पार्ट 1 में आपको याद होगा मानव ताहिर राज भसीन थे विलन, और पार्ट 2 में ये विलन है। और दोनों ही विलन्स के बीच में दोस्तों, जो एकदम डेविलिश चीजें स्थापित की गई है ना, वो बाप रे बाप आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। जब हम इस ब्रूटल रेप को देखते हैं, या फिर जब हम इस ब्रूटल हत्याकांड को देखते हैं, तो लिटरली आत्मा चीख पड़ती है और दिल से आवाज निकलती है कि रानी मुखर्जी का जो कैरेक्टर है शिवानी का, इसको सजा दे, इसको जो है सजा देकर कुछ ऐसे सजा दे जिसका कि मतलब एक एग्जाम्पल सेटअप किया जाए। डायरेक्टर ने दोस्तों फिल्म को बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया है। पार्ट 1 के कंपेयर में पार्ट 2 थोड़ा सा पीछे रहती है, बट दोस्तों आपको बता दूं तो कहानी में वही इंटेंसिटी है, वही पेस है, और सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म के अंदर कोई भी गाने नहीं है। थैंक गॉड, एटलीस्ट यहाँ पर दोस्तों सीख लिया है फिल्म मेकर्स ने कि जब भी कोई इतनी इंट्रीगिंग या इंटरेस्टिंग स्टोरी बयां कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे प्लीज आप गाने मत डालिए, क्योंकि गाने डालकर कहीं ना कहीं आपका रिदम टूटता है। होपफुली बॉलीवुड के और भी फिल्म मेकर्स इस चीज़ को अपनाएं, और मैं चाहता हूँ स्पेशली जो थ्रिलिंग फिल्म्स बनाते हैं, जो एक्शन फिल्म्स बनाते हैं, या जो हॉरर फिल्म्स बनाते हैं, उनको इस तरीके के म्यूजिक को बीच में नहीं रखना चाहिए। बैकग्राउंड स्कोर की बात करो दोस्तों, तो बैकग्राउंड स्कोर दिल दहला देने वाला है। स्पेशली कुछ सीन्स इतने खतरनाक है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं आपको अनरियलिस्टिक भी लगेगी दोस्तों, जिसमें कि सच्चाई का कुछ तड़का लगाया गया है अगर मैं बात करूं तो। और वही परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे वो विशाल हो चाहे वो कोई और कलाकार हो, सब ने बेहतरीन काम किया है। विशाल की पहली फिल्म में लग भी नहीं रहा यार, वो बच्चा सा एकदम बच्चा सा, मासूम सा, और इस तरीके की हरकत करता है, बाप रे बाप, बड़ा ही खतरनाक विलन बनाया है। और वही रानी मुखर्जी के कैरेक्टर की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि पहले में वो मर्दानी थी, पहली पार्ट में वो मर्दानी थी, यहाँ पर वो शेरनी बन गई है, और रानी मुखर्जी इज द बेस्ट चॉइस, बेस्ट कास्टिंग एवर। रानी मुखर्जी इज सच अ फाइन एक्ट्रेस इन इंडिया या इन बॉलीवुड, मतलब उनके हाथ को कोई नहीं पकड़ सकता है, एंड शी इज जस्ट अमेजिंग इन हर ओन टैलेंट एंड द क्राफ्ट। बात करें अगर दोस्तों, तो ये पिक्चर सभी को देखने चाहिए, क्या मैं, क्या आप, क्या मम्मी, क्या पापा, क्या बहन, क्या भाई, हर किसी को, बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। और मैं रियली चाहता हूँ कि आप लोग देखें, और ये जो मैसेज देने की कोशिश की है, इस मैसेज को आप ग्रहण कीजिए। स्टार्स की बात करें तो मैं 5 में से इसे 3.5 स्टार देना चाहता हूँ। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। आप भी देखिए फिल्म, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू मुझे जरूर बताएं। कीप ऑन वॉचिंग।